अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी बंगला रिएक्शन। सो दोस्तों, क्या हाल है आपका? अपना कैमन आचे नमी भालो आचे अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भालो आचे अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल आपको बता दें चले, बहुत देर बाद आज तक हमने अगर वीडियो काउंट की जाए तो एक दो वीडियोज बनाई होंगी बांग्लादेशी खानों के ऊपर स्पेसिफिकली। बट ये जो है, ये कराची के अंदर जो है बंगाली खानों का एक ढाबा है, जहाँ एक होटल जहाँ बांग्लादेश के खाने आपको मिलेंगे स्पाइसी किस्म के, और उधर विजिट करने जा रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर कराची के अंदर, कराची का आपको पता होगा वहाँ। तो इधर देखते हैं कौन कौन से बंगाली खाने मिलते हैं, बंगाली फूड्स इन कराची, बांग्लादेशी फूड रिव्यू, बंगला फूड्स, ये रिव्यू टाइटल है जी। हमने बात करनी है जुनैद अली ऑफिशियल के हवाले से भी, वो लास्ट में बात करेंगे, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा विदाउट एनी डिले जी, हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3, 2, 1 स्टार्ट। तुलसी चावल 80 रुपया, मच्छी चावल 110 रुपया, भुना चावल 120 रुपया, चिकन का साथ 120 रुपया, बर्ड भी 120 रुपया। ये भाई, ये दाल होती है? हाँ, ये दाल होती है। ये झींगा मच्छी और हरी प्याज, और ये क्या लगाया आपने? मीठा लौकी है, चावल है। मीठा लौकी और चावल, वाओ यार, मछली यार, रमजान के अंदर भाई आपको, आप टेंशन ना लो, अफ्तारी के बाद आएगा। पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर बहलीम। तो कराची में बहुत दिन हो गए थे, कुछ अच्छा खाना नहीं दिखाया, तो हमने सोचा कि कुछ अच्छा और यूनिक लाकर लेकर आया जाए आपके सामने। तो आज हम उसकी तलाश हमें लेकर आ गई, बफर जोन है और यहाँ की है मछली मार्केट। मछली मार्केट में मूल आपको मछलियाँ मिलती है, और हमारे जो बंगाली भाई है वो आपको पता है मछलियाँ फरोख्त करते हैं, मगर उनके खाने भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आज हम बंगालियों के खाने खाने के लिए आए हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि इनकी क्या क्या सौगात है और क्या क्या हमें खाना खिलाते हैं, क्योंकि इनके खाने बड़े ज़बरदस्त हैं। और हाँ, एक उसूल है कि हर चीज़ आपने चावल के साथ खानी है, रोटी की बात नहीं करनी। तो जो भी खाना है हमने चावल के साथ खाना है, और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या हमारे लिए तरह यूनिक आइटम सुने मेरे इनके पास होते हैं, क्योंकि इनके पास मीठा कद्दू भी है, इस तरह मछली चावल है या झींगा चावल है, और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं सुने हमने। तो खाते हैं ज़रा, फिर बातचीत करते हैं, फिर आपसे फिर आपको बताएंगे कि कैसे है। और लोकेशन यही है कि बफर जोन की मछली मार्केट, गूगल लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में वहाँ से उठा लीजिएगा। इतना एड्रेस मैं आपको बता सकता हूँ कि बफर जोन की मछली मार्केट है। तो आ जाए अंदर, आ जाए। अच्छा भाई, ये है गोभी, मीठे होते हैं, इसी तरीके समोसे तो हैं, लेकिन ये है इनकी कचौरी है ना बाबा जी, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़े पकौड़े भी चखने हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे छोले बड़े स्पेशल हैं। तो आपने वो चीज़ तो खानी है अंदर वाली, मगर इनको भी ट्राई करना है, तो हम जरा ये भी थोड़ा ट्राई करेंगे। एक बुफे बनाएंगे, छोटा सा बुफे बनाएंगे कि बंगालियों के पास, बंगाली भाइयों के पास हमारे लिए क्या क्या खाने के लिए सौगात हैं, और खाकर आपको अब रिव्यू देने वाले। पहले चलते हैं किचन और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या बना है आज हमारे लिए, और उसके बाद खाते हैं फिर। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पर है आपकी शॉप? ये हमारे शॉप है नियर कराची, बंगाली पाड़ा। साथ वाले बंगाली पाड़ा, किस नाम से? आल सुफियान होटल है ये। अच्छा, आपके पास सारे बंगाली चीजों की चीजें होती है, क्या क्या होता है, नाम बताएं। हमारे पास तो आइटम सालन का आइटम, सब्जी होता है, मच्छी होता है, मच्छी का अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है, गोश्त होता है, चिकन होता है, दाल होता है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो क्या क्या प्राइस से शुरू होता है, कितने से कितने रुपए तक है? ये सब्जी चावल 80 रुपया, मच्छी चावल 110 रुपया, भुना चावल 120 रुपया, चिकन का साथ 120 रुपया, बर्ड भी 120 रुपया। 120 रुपये में चावल के साथ? हाँ, जितना चावल खा सकते हैं, जितना खा सकते हैं, 120 रुपया। मच्छी है, हरी प्याज के साथ बना, खत्म भी हो गया, हरी प्याज के साथ है। ओके, और क्या है ये? ये है मीठा कद्दू। मीठा कद्दू, मीठा बनता है ये? हाँ, ये मीठा कद्दू सालन बनाया, झींगा मच्छी डाल और सब चीज चावल के साथ खाते हैं। चावल का, और इसके साथ ये क्या है? ये है मूंग मसूर का दाल है, चावल के साथ खाता है ये भी। सारी चीजें चावल के साथ खाते हैं ना? ये है बंगड़ा मच्छी, ये बंगड़ा मच्छी, हाँ ये भी चावल के साथ चलता है, हमारे घर रोटी नहीं होता, रोटी नहीं होता। और ये क्या? ये है गोश्त है, बीफ, बीफ है, हाँ बीफ है, ये ये भी चावल का साथ, चावल के साथ ही। रोटी रोटी का रिवाज नहीं है? नहीं नहीं, रोटी इधर नहीं खाते, ये भी चावल के साथ, चावल के साथ खाना, जो भी खाना चावल के साथ खाना, जो भी आता चावल का, चावल के साथ। ये भाई मछली निकाल लिया, ये मछली निकाल दी, और इसकी ग्रेवी थोड़ा सा डाल दिया और मजेदार हो जाएगा, थोड़ा सा डाल दिया, ये भाई लड़के ने थोड़ा सा तड़का हो गया। कैमरामैन गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल मजा आता है, बिल्कुल आप लोग भी ट्राई करें, आ जाए यहां पे, बड़ा मस्त करेंगे इंशाल्लाह। ये भाई ये चलो, अच्छी में कलर देखें चावल, ये मोटा चावल है,
दूसरे चावल से थोड़ा सा अलग है, अच्छा खाने का टेस्ट ही अलग है। पतला चावल इसमें नहीं मजा आएगा इस खाने में। क्या बात है जी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा दोस्त क्या क्या मंगवाया आपने? हमने भुना मंगवाया है और ये फिश है, ये भुना है, ये फिश है। और हम लोग तो काफी दिन हो गए यहाँ पे आ रहे हैं, और आप माशाल्लाह हैवी बंगाली था। ठीक है, तो ये बताएं कि यहाँ के खाने खाते हैं और बाहर के भी खाते हैं, क्या फर्क महसूस होता है दोनों खानों के अंदर? कि यहाँ पे नेचुरल है और साफ सुथरा क्वालिटी फूड है यहाँ पे, और इसके बाद यह कि इसका एक अलग जायका है, हर रेस्टोरेंट का, हर होटल का एक अलग जायका है और अलग टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ का टेस्ट हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चक्कर बताएं, जाना पड़ेगा वहाँ, हम क्या बोला चखूंगा पहले, नॉन वेजिटेरियन वो आगे अक्षय कुमार पुरानी फिल्म अक्षय कुमार तो मुझे खाने दो बस अपनी मस्ती में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, डिलीशियस है, डिलीशियस। तो बिलाल भाई आप उस पे लगे हैं मीठे कद्दू पे? जी जी जी, मीठा कद्दू बहुत मजे का, बहुत मजे का लगता है बिलाल। ये मीठा कद्दू आ गया हमारे लिए, और इसके बाद किसकी बारी आ गई? झींगा आ गया भाई। अच्छा भाई ये प्लेटर बना रहे हम छोटा सा, और ये आ गया मछली, ये बंगड़ा मछली, ये बंगला मछली है, ये एक एक कांटे वाली होती है, ये सब मिक्स करके। और ये आ गया जी गोश्त, भुना गोश्त, बहुत बहुत है, एक बोटी डालें कोई मसला नहीं। ये भाई ये भुना गोश्त भी आ गया हमारा, हॉस्पिटैलिटी बांग्लादेश, सारा प्लेटर बन गया हमारा। ये भी डाल दूं? वाह 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 वाह, बहुत है, चले 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 चले। तो हमारे साथ शाहिद भाई भी मौजूद है, और शाहिद भाई को हमने बोला छोड़ें, उन्होंने भी तारीफ कर दी, और हमने मंगवा लिया, प्लेटर बनवा लिया, और अब हम खा के देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले बंगाली फूड इस तरीके से नहीं खाए, कुछ खाए लेकिन उतना याद नहीं है, क्योंकि बचपन में एक बार मैंने मछली चावल खाए थे, मगर तो हमारे एक साहब थे वो बनाते थे बड़े अच्छे, तो मुझे लगता था इंटरेस्ट लगा ना, ये लगा कद्दू मीठा कद्दू पे, तो ज़रा ये लोग तारीफ कर रहे हो हर चीज़ में खा रहे हैं इसको, तो ज़रा इसको खा के देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये बाकी देखें, ये चावल मोटा होता है, ये चावल कौन सा कहलाता है? जोशी चावल खिलाता है ये जोशी, तो मिक्स कर रहा है और ऐसे करके थोड़ा नमक भी लेना। अच्छा मैं आपने नमक भी मिलाना ऐसा करके हल्का सा। अच्छा वो मिर्चे भी हैं साइड में यार, कद्दू मजाक कर, कद्दू मजाक कर रहा था वाकई, हल्का सा मीठा भी है और ऊपर ना स्पाइसी भी है, ऐसा नहीं है कि स्पाइसी नहीं है, हल्का सा मीठा तो है लेकिन स्पाइसी भी है। तो भाई ये हो गया कद्दू के बाद आ गया जी ये मछली, तो ये है बंगला मछली एक कांटे वाली, बड़े कांटे होते हैं इसमें। तो ये है जी मछली, और मछली के साथ चावल, मछली चावल मोस्टली चावल। तो हम खाते हैं, हल्का सा आपने नमक मिलाना, इसमें नमक नहीं डालते ये, बस कर यार रोजे की आदत में क्या करवा रहे आउट क्लास। बहुत टेस्ट लगा भाई जायका ना, स्ट्रॉन्ग लगा, मुझे समझ में नहीं आई मछली चावल भाई, भुना गोश्त खाते हैं, कद्दू में जितना मज़ा आया था ना कद्दू के अंदर मुझे, उतना मज़ा मुझे मछली में नहीं आया, वो सब तो मैंने ग्रेवी ना मिलाई हो, तो थोड़ी सी ग्रेवी भी मिलाई, ये ग्रेवी मिलाए, सालन मिलाए ताकि जायका आए। खाई जा रहा जवान, खा जितने खा सकते हैं आजकल भाई, गोश्त बड़ा मजे का है, मान गया कहता ना बीफ के साथ बड़ा मजा कर रहा है वो, अब मिर्च खाने लगा गोश्त का, लेकिन है बड़ा मजेदार। मैं दोबारा से मछली खा के देखता हूँ, मजा नहीं आया था, उसमें ग्रेवी नहीं थी, मछली चेक कर लेंगे बस, अब मैंने ग्रेवी डालकर ये देखें जी, ठीक है मछली दोबारा चेक कर रहा है कि ग्रेवी के बगैर खाई थी, अभी चेक करूँ, मेरे भी जाएगा बहुत बेहतर हो गया, पहले मुझे मज़ा नहीं आया था लेकिन इस बार मज़ा आया। अरे भाई दाल भी होती है, लेकिन दाल से पहले ना एक रह गया हमारा झींगा, तो अब ये नहीं सही 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 हाँ हाँ, तो भाई ये रह गया हमारा झींगा, अब जरा झींगा भी खाते, तो झींगे में थोड़ी सी ग्रेवी पहले है चावल के साथ, मैं कोशिश कीजिए ग्रेवी के साथ मिला के ना, तो ज़्यादा जायका उसमें ज़्यादा आता है, दिल जले। अरे झींगे के साथ जो है ना हरी प्याज है, उसका बड़ा जबरदस्त फ्लेवर बन रहा है, कॉम्बिनेशन बड़ा उदम बन रहा है उसका, बस कर दे यार, मेरी तरफ से तो यार पास है, अच्छा है मुझे अच्छा लगा, दाल चेक कर रही है दाल, माश दाल पतली दाल बनती है ये देखें जी, ये दोनों की पतली दाल बनती है थोड़ी सी, और आपने ऐसे कर इंडियन फौजी को ये देते, थोड़ी सी दाल ले रहा हूँ, जरा ये पानी की तरह डाले, लेकिन देखते जाएगा कैसा है इसका, स्पाइसी होगा मुझे आई एम श्योर, दाल मुझे इतनी खास नहीं लगी गुजारा है, बहुत ज़्यादा पतली है।
ओके जी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। कुमार सुन लेता ना तो बता, अक्षय कुमार ने सुन लेना था ना, अच्छा इसे भी रिव्यू इन्होंने दिए हैं अच्छे, भले ये बंगला फूड कराची के अंदर, ये नहीं के अंदर से वो मिलावटी, सही बात है, उन्हें भी पसंद है, उनको चावल भी पसंद है और उनको मीठा भी पसंद है, मीठा कद्दू भी पसंद है, ज्यादा कद्दू और गोश्त पसंद है मछली से भी, और मछली तीसरे नंबर पे इन्होंने रखी है मेरे ख्याल से, और दाल को इन्होंने एंड पे रखा है, एंड पे रखा है कि वो थोड़ी सी पतली, बिकॉज पाकिस्तान में गाइस आई डोंट नो कि बांग्लादेश में कैसी दाल पसंद करते हैं, यहाँ पसंद करते हैं थोड़ी सी ग्रेवी टाइप, थिकनेस हो दाल के अंदर ना, तो यहाँ पे बट मैं इनका समझ रहा था कि ये पानी बेस्ड क्यों है, वो इसलिए थी कि चावल के साथ जब आप डालते हो ना तो वो मिक्सअप हो जाती है, जस्ट लाइक जैसे बाकी जो है ना वो ग्रेवी टाइप थी जो ऊपर डाल रहे थे, तो मे भी शायद ये रीजन हो, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने अच्छे रिव्यू दिए हमें, सबसे मेन चीज़ तो ये पता लगी कि बंगला फूड के आइटम्स जो हैं वो मौजूद हैं कराची मार्केट में, और बंगला लोग ही बांग्लादेशी मतलब जो लोग उस वक्त पाकिस्तान में रह गए वो खा रहे हैं जी और इन्जॉय कर रहे हैं पूरी मार्केट में, वो मतलब हैं भी ज़्यादा वो बांग्लादेशी मतलब बंगाली लोग ही हैं। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे मतलब बांग्लादेश के जो फूड है वो पाकिस्तान के अंदर भी है। अब आप लोगों ने स्पाइसी देखे हैं, इसमें से आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ आपकी फेवरेट है या घर में पकती है, बिकॉज बांग्लादेश में जब आएंगे आपके घर आएंगे, बिल्कुल जी हमने खाने हैं बांग्लादेश के जो फूड आइटम्स है वो हमने टेस्ट करने हैं घर वाले। अच्छा फिशेज के बड़े वेरियंट है बांग्लादेश के अंदर, फिशेज के बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा तरह के खाने बनाए जाते हैं। अब हमने कुछ वीडियोज देखी है ना, रोज़ा है मैं क्या क्या कहूँगी यार, हमारा रोज़ा है भाई इस टाइम पे, रोटी बॉयज आप लोगों को अफ्तार के बाद वीडियो मिलेगी, बट हम इस टाइम रोजे के साथ वीडियो बना रहे हैं आप हमारे तासरात को समझ नहीं सकते, तो अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, मुझे हसन आसर और अम्माद लतीफ को दें इजाजत, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।